जय माँ काली भक्तों, हमारे YouTube चैनल जय माँ कैला देवी में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज हम जानेंगे कि तुलसी और सालिग्राम जी का विवाह क्यों होता है। आइए हम जानेंगे कि तुलसी महारानी और सालिग्राम कौन हैं। इन तुलसी महारानी की हमारे हिंदू समाज में पूजा करने का विधान है। काका तुलसी जी के मोती बनाकर कंठ में भी धारण करते हैं, इसे कंठी भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बिना तुलसी जी के भोग भी ग्रहण नहीं करते तथा तुलसी जी की परिक्रमा करने का अनंत गुना फल होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि यह तुलसी भगवान श्री कृष्ण जी का धाम गोलोक है, जिसमें तुलसी जी श्री राधा जी की अंतरंग सखी थीं और वह राधा जी तथा श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं के लिए जगह का चुनाव करती थीं। एक दिन श्री राधा जी और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए एकांत तलाश रही थीं। उसी समय श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए और श्री कृष्ण को देखकर वह भाव विभोर हो गईं। राधा रानी को पता चलने पर उन्होंने श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर विचरण करो और तपस्या करने के पश्चात गोलोक में आना। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पृथ्वी पर श्री हरि विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। पृथ्वी पर उन्होंने राजा धर्मध्वज और माधवी की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम तुलसी पड़ा। थोड़ी बड़ी होने पर वह बद्रीनाथ में जाकर तपस्या करने लगी और दीर्घकाल तक तपस्या करती रहीं। तब ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और पूछने लगे कि इतना घोर तप तुम क्यों कर रही हो। तब तुलसी जी बोली कि भगवान श्री विष्णु को पति रूप में पाने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बालों में से एक ग्वाल बाल थे सुदामा। वह राधा रानी के श्राप के कारण इस समय शंख चूर्ण नाम से जन्म लिया है। तुम उनसे विवाह करो, उनका पृथ्वी पर आधिपत्य है। उन्होंने भी प्राचीन समय में तुमसे विवाह की इच्छा से घोर तप किया था। तुम इस समय शंखचूड से विवाह करो, अगले जन्म में आपको श्री नारायण पति रूप में प्राप्त होंगे। तब तुलसी जी का विवाह शंखचूड के साथ संपन्न हुआ और फिर तुलसी जी का तीसरा जन्म हुआ और उनका नाम भृंगा पड़ा। उनका विवाह दानवराज जलंधर से हुआ। उस राक्षस का आतंक दिनों दिन बढ़ता रहा और उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब सभी देवता देवाधिदेव महादेव के पास पहुँचे। तब भगवान भोलेनाथ ने जलंधर को मारने के लिए जलंधर से युद्ध किया। भगवान शिव और राक्षस जलंधर का घोर युद्ध होने लगा। तब भगवान शिव हारने लगे और उसने माता पार्वती पर को दृष्टि डाली और माता पार्वती जी को छलना चाहा। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को पुकारा, क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता थी। पतिव्रत धर्म के कारण उसको युद्ध में कोई नहीं जीत सकता था। तब भगवान विष्णु ने उसके पति जलंधर का भेष बनाया और भृंगा का पतिव्रत धर्म नष्ट किया और जालंधर का संहार हुआ। तब भृंगा को शक हुआ और भृंगा कहने लगी कि बताओ तुम कौन हो जिसने मेरा पतिव्रत धर्म का खंडन। तब भगवान विष्णु अपने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। तब भृंगा ने श्राप दिया कि तुम्हारा हृदय पत्थर की तरह कठोर है, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म खंडित करके जलंधर का संहार किया है, इसलिए तुम पत्थर हो जाओ। तब भगवान विष्णु ने तुरंत कहा कि तुमने बिना विचारे हमें श्राप दिया है, तुमने अपने पति की करतूत को नहीं जानती। उसने पार्वती जी को छलना चाहा, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जड़ रूप वृक्ष हो जाओ और तुलसी नाम से विख्यात हो। तब भगवान विष्णु ने कहा
कि हम गंडकी नदी में पत्थर के रूप में जन्म लेंगे और हमारा नाम सालिग राम शिला होगा। तुम्हारे वृक्ष की पत्तियों को जो हम पर चढ़ाएगा वह सभी सुखों का भोग करेगा। बिना तुलसी पत्र के हमारे शरीर में जलन उत्पन्न होगी और हमारे सिर में अत्यंत पीड़ा होगी। जो तुलसी पत्र हमारे शीश पर चढ़ाएगा वह समस्त अमृत के घड़े के बराबर होगा। तुलसी पत्र हमें बहुत प्रिय होंगे तथा मनुष्यों के सारे कष्टों को दूर करेंगे। जो प्रेम सहित निरंतर हमारा भजन करेगा उसके लिए तुलसी जी तथा राधा जी में कोई अंतर नहीं होगा। 56 प्रकार के व्यंजन होने पर बिना तुलसी जी के हरि को पसंद नहीं होंगे। सारे तीर्थ तुलसी जी की छाया में निवास करते हैं। यहाँ मरने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। तुलसी जी के निकट सहस्त्र गुणों का वास रहेगा। जो तुलसी जी का पौधा लगाएगा, सींचेगा तथा दीपदान करेगा, दीपक जलाएगा, उसके पुण्य के रूप में वह बांझ स्त्री को भी पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गई। वृंदा योगाग्नि द्वारा शरीर त्याग कर तुलसी के पौधे के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान विष्णु बोले कि हमारे सालिग राम शिला के साथ तुम्हारा तुलसी रूप इस प्रकार तुलसी सालिग राम विवाह को जो संपन्न कराएगा तथा जो विवाह में शामिल होगा उसके पुण्यों की गणना नहीं हो सकती। इतना वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गई। वृंदा योगाग्नि द्वारा शरीर त्याग कर तुलसी जी के पौधे के रूप में परिवर्तित हो गई। तो बोलो तुलसी सालिग राम जी की जय। तो भक्तों, यह थी हमारी तुलसी और सालिग राम जी के विवाह की कहानी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब